पे पेड़ भी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले पेड़ दिखा देती हूँ। छोटे नहीं, हम लोग के घर में जामुन का पेड़ है। तो और फ्रेंड्स देखिए ऊपर कितना काला काला जामुन है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये हम लोगों ने तंबू लगा रखा है क्योंकि ये जामुन गिरेगा काला काला तो यहाँ से नीचे गिरेगा और फूटेगा नहीं और यहाँ पे स्लाइड होके यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग इसको चुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ऊंचा है। आपको फ़ायदे बता देती हूँ जामुन के। तो फ्रेंड्स देखिए जामुन का पेड़ औषधीय होता है और इसके हर चीज़ काम में आता है, छाल गुठली जामुन। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ जो है सब फायदे में आता है। और फ्रेंड्स इसका छाल घुटनों के दर्द में काम आता है लगाने। और फ्रेंड्स इसके गुठली को सुखा के धूप में और आप चूर्ण बना के उसको, और ये डायबिटीज वालों को बहुत ही फायदेमंद है। और फ्रेंड्स डायबिटीज वालों को तो रामबाण की तरफ से फ़ायदा होता है। और फ्रेंड्स इसका जो छाल होता है वो घुटनों के दर्द में लगाया जाता है। और फ्रेंड्स जामुन का रस यानी कि सिरका बना के आपको उल्टी हो चाहे मुंह में छाला हो जाए तो आप इसका सेवन कर सकते हैं तो आपका ठीक हो जाएगा वो छाला। और फ्रेंड्स जामुन जो है वो जून जुलाई में ही फटता है और बरसात के मौसम में फटता है। और फ्रेंड्स इस खाने से फोड़ा फुंसी भी ठीक हो जाता है और पाचक शक्ति भी अच्छी रहती है। और फ्रेंड्स आप ये जामुन को खाना खाने से पहले मत खाइएगा। इसको खाना खाने से ऐसे तो आप कभी भी आपकी मर्जी खा सकते हैं लेकिन इसको खाना खाने के बाद ही चाहे थोड़ा देर बाद ही खाया जाता है। और फ्रेंड्स एक वार्निंग देखिए, आप पेड़ पे मत चढ़िएगा जामुन तोड़ने के लिए, लकड़ी से तोड़िएगा। हम लोग भी लकड़ी से ही तोड़ते हैं और हम लोग तंबू भी लगाए हैं जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तंबू भी लगाए हैं क्योंकि वो नीचे से गिरेगा तो वो हम लोग उठा लेंगे चुन लेंगे। और फ्रेंड्स वो हम लोग और फ्रेंड्स इसका बहुत टहनियाँ कमज़ोर होता है, चढ़ने से टूट भी सकता है। फ्रेंड्स इसलिए मैं वार्निंग आप लोगों को बता दें। देखिए जामुन के गुठली को चूर्ण बना के और डायबिटीज वाले को आप और चूर्ण बना के तो उनका शुगर कंट्रोल में रहता है। और फ्रेंड्स जामुन फल ऐसा है जो सबको अच्छा लगता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। और फ्रेंड्स मैं तो रोज़ ही खाती हूँ, मेरे घर में दो दो पेड़ है तो मैं तो रोज़ ही खाती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए हम लोग बांट भी देते हैं अपने अगल बगल के पड़ोसियों को। और फ्रेंड्स आते हैं तो हम लोग बांट देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।